तस्मै श्री गुरुवे नमः। देवभूमि उत्तराखंड, एक ओर जहां अपनी प्राकृतिक सुंदरता, पवित्र तीर्थों एवं पर्यटन स्थलों के लिए विश्व विख्यात है, वहीं दूसरी ओर वो अपनी सांस्कृतिक विविधता, लोक परंपरा एवं लोक कलाओं के लिए भी जाना जाता है। इन सब के अतिरिक्त देवताओं की इस भूमि में अनेकों वीर समाजोद्धारक एवं विद्वान भी पैदा हुए हैं। प्राचीन काल से ही ये पावन भूमि ऋषि मुनियों के लिए ज्ञान व साधना की तपस्थली एवं शरण स्थली रही है। कणव कमाद ऋषि, अगस्त्य मुनि, अत्रि मुनि एवं वेद व्यास जैसे अनेक तपस्वियों ने यहाँ आश्रय लिया। महाकवि कालिदास ने यहाँ जन्म लिया तथा आदि गुरु शंकराचार्य ने भी इसी भूमि में तपस्या की और अपने ज्ञान की पताका सारे विश्व में फैलाई। यद्यपि पर्वतीय राज्य होने के कारण यहाँ की भौगोलिक संरचना एवं परिवेश मानव जीवन के लिए अनेकों कठिनाइयां उत्पन्न करती है, परंतु फिर भी यहाँ के निवासी अपने परिश्रम और दृढ़ निश्चय, मेहनती लगनशील होते हुए पहाड़ के प्रति अपने प्रेम से हर कठिनाई पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। टेढ़े मेढ़े पहाड़ी रास्ते हों या नदी नाले, जंगली पशुओं से भरा जंगल हो या आकाश छूते पहाड़, कोई भी बाधा इनका रास्ता रोक नहीं सकती। किसी भी चुनौती को विजित कर अपने लक्ष्य तक पहुंचने वालों में उत्तराखंडी सबसे आगे हैं। और इन्हीं विरले लोगों की सूची में एक नाम है डॉक्टर वाचस्पति मैठाणी, जिन्हें विद्वत संस्कृत पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। सन 2011 के जुलाई माह में उत्तराखंड शिक्षा विभाग से शिक्षा निदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुए डॉक्टर मैठाणी वर्तमान में बालिका संस्कृत महाविद्यालय सेंदूल एवं देवभूमि प्राथमिक संस्कृत विद्यालय के संचालक हैं। संस्कृत की चहुमुखी विकास के लिए और लोग उसमें अपनी सहभागिता करें, सीखें, उसको जन सामान्य की भाषा बनाएं, इसके लिए सबसे पहले हमने ग्राम सेंदुल टिरीगढ़वाल में घनसाली के पास ही एक बालिका संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की है, जो कि उत्तराखंड ही नहीं अपितु पूरे उत्तरी भारत का पहला बालिका संस्कृत महाविद्यालय है। हमारा पिछड़ा हुआ क्षेत्र भिलगना घाटी थी, वहाँ पर इन्होंने बालिकाओं के शिक्षा के लिए अथक प्रयास किया, जहाँ पे कि कोई किसी प्रकार की लड़कियों का विशेष करके अध्ययन के लिए विद्यालय नहीं था, वहाँ पर इन्होंने अपने परिश्रम के साथ उस विद्यालय की स्थापना की। क्योंकि सर्वोदय का मतलब है सबका उदय, और वो सबके उदय के लिए शिक्षा का महत्व जितना है उसको लेके उन्होंने अपने उत्तरांचल में जो दूर दराज के गाँव के लोग हैं, जो शिक्षा से वंचित हैं, उनके लिए उन्होंने शिक्षा के विद्यालय खोले और उनको पढ़ाने के लिए क्या अपने घर का, अपने पत्नी, अपने माँ के गहने गिरवे रखवाए और अपना घर गिरवी रखवाया, और उसके बाद उन्होंने उनके शिक्षा का प्रबंध किया, विद्यालय बनाया। सर्वोदय का असली काम तो वही कर रहे हैं, और इस काम में उनका लक्ष्य जो है उस पर ऐसे जैसे अर्जुन का एक निशाना होता था वही होता था। आपने शैक्षिक क्रियाकलापों के साथ साथ राष्ट्रीय व सामाजिक समस्याओं के प्रति भी सतत प्रयास किया है, जिनमें साक्षरता, पर्यावरण सुरक्षा, वृक्षारोपण, नशा मुक्ति, अस्पृश्यता निवारण, एड्स, खादी प्रोत्साहन, पल्स पोलियो प्रतिरक्षण तथा अल्प बचत जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रम सम्मिलित हैं। डॉक्टर वाचस्पति मैठाणी को शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सन 1999 में शिक्षक दिवस के सुअवसर पर महामहिम राष्ट्रपति श्री के.आर. नारायण जी द्वारा सम्मानित किया गया।
आज शिक्षक दिवस के अवसर पर इस विशेष पुरस्कार वितरण समारोह में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग की ओर से सभी उपस्थित विद्वज्जनों का स्वागत है। हमारा सौभाग्य है कि महामहिम राष्ट्रपति जी आज हमारे बीच मौजूद हैं और कुछ ही क्षणों में वे वर्ष 1998 के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगे। डॉक्टर मैरानी। परंतु स्वयं की शिक्षा प्राप्ति का उनका सफर आसान नहीं था। 28 अगस्त 1949 को टिहरी जिले के सेंदुल गांव में जन्मे डॉक्टर मैठाणी जब थोड़ा बड़े हुए तो उन्हें प्रारंभिक शिक्षा के लिए अपने घर से 3 किलोमीटर दूर स्थित बेसिक पाठशाला बेलेश्वर में जाना पड़ता था। किंतु उनकी शिक्षा प्राप्ति की राह में इतनी भी कम अड़चने नहीं थी। घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण कक्षा 3 में ही उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी, परंतु शिक्षा के प्रति उनकी लगन जरा भी कम न हुई। उसके बाद हमने बेसिक पाठशाला हमारे गांव के नजदीक खुल गई सरास गांव में और हमने वहां पर जो है कक्षा 5 पास की। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से पढ़ाई जारी रखी और साथ ही साथ व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त किया। सन 1965 में कुछ समय बिरला कॉटन स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स शक्तिनगर दिल्ली में कार्य करने के बाद वो उत्तराखंड वापस लौटे और ठेकेदारों के साथ गांव-गांव जाकर कारपेंटरी का कार्य करने लगे। कुछ समय पश्चात वे उत्तराखंड के प्रसिद्ध सर्वोदयी समाज सेवी श्री चंडी प्रसाद भट्ट जी की संस्था दशोली ग्राम स्वराज संघ में रहकर कारपेंटरी का कार्य करने लगे। इकलौते पुत्र होने के कारण परिवार वालों ने इनका विवाह सन 1967 में मात्र 19 वर्ष की आयु में श्रीमती रुक्मणी देवी के साथ करा दिया। इसी वर्ष इन्होंने घर से 8 किलोमीटर दूर स्थित जूनियर हाई स्कूल चमियाला से कक्षा 8 की परीक्षा व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में उत्तीर्ण की। इस स्कूल का मार्ग भी अत्यंत दुर्गम था। टेढ़े मेढ़े पहाड़ी रास्ते, नदी व बरसाती नालों को पार करना पड़ता था। बरसात के दिनों में ये नदी नाले विकराल रूप ले लेते थे। इन्हें पार करने के प्रयास में कई छात्र बह चुके थे और सर्दियों के मौसम में छोटे दिनों के कारण स्कूल से घर तक जाने में 8 किलोमीटर की दूरी तय करते करते अंधेरा हो जाता था और जंगली जानवरों के हमले का खतरा भी रहता था, जिससे उस क्षेत्र के लोगों में डर बैठने लगा। यहां तक कि कुछ लोगों ने तो बच्चों को स्कूल भेजना ही बंद कर दिया। इन कारणों से उस क्षेत्र में कक्षा 8 तक पढ़े लोगों की संख्या बहुत कम थी। 8वीं पास करने के लिए हमें 16 किलोमीटर दूर आने जाना पड़ता था चमियाला में। उस समय टॉर्च की व्यवस्था नहीं थी तो हमारे घर वाले मुझे जो है जो छिलके होते हैं जो चीड़ के उनको जला करके आधे रास्ते आते थे ढूंढने के आ गया होगा वहां लड़का। तो क्योंकि मैं अकेला था घर का इसलिए उन्होंने कहा कि अब स्कूल रहने दो मत जाओ। परंतु डॉक्टर मैठाणी अपनी शिक्षा के पथ पर निरंतर आगे बढ़ते गए। उन्होंने सन 1971 में हाई स्कूल तत्पश्चात सन 1973 में इंटरमीडिएट की परीक्षा व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में ही पूर्ण की। इन वर्षों में अपने जीवन यापन के लिए डॉक्टर मैठाणी ने मसूरी के कुलड़ी बाजार में सब्जी बेचने व आरती का व्यवसाय, देहरादून स्थित राजा रोड में ट्रक बॉडी बनाने तथा खादी ग्राम उद्योग टांडा लखौंड में भी कार्य किया। सन 1973 का समय डॉक्टर मैठाणी के जीवन में एक नया अध्याय लिखने वाला था। उन्हें अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्ति में आई कठिनाइयां स्मरण थी और संभवतः उन्होंने तभी ये निश्चय कर लिया था कि एक दिन वो अपने पिछड़े पर्वतीय क्षेत्र में स्कूल अवश्य खोलेंगे ताकि भावी पीढ़ी सुगमता से शिक्षा प्राप्त कर सके। इस उद्देश्य को लेकर सन 1973 में इंटरमीडिएट कर लेने के पश्चात उन्होंने अपने गांव सेंदूल के पास ही स्थानीय लोगों की सभा का आयोजन किया और अपना अभिप्राय समझाने में सफल रहे। शिक्षा विकास की कुंजी है, इसलिए हमने जूनियर 18 जुलाई 1973 को एक जूनियर हाई स्कूल स्थापना की, बालगंगा जूनियर हाई स्कूल स्थापना, जिसके पहले प्रबंधक
स्वर्गीय श्री राम सरोवर रतुड़ी जी को बनाया गया और उन्हीं के सानिध्य में, क्योंकि पहले दूसरे विद्यालय भी उनको चलाने का अनुभव था, तो हमने वहाँ पर जो है सभी लोगों के तय भाव के इनको जो है बनाया जाए। इस प्रकार डॉक्टर मैठाणी का शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए पहला कदम बढ़ चुका था। आगामी वर्षों में उन्होंने अपनी शैक्षिक योग्यता को बढ़ाते हुए गढ़वाल विश्वविद्यालय से बीएड तथा संस्कृत साहित्य से एमए की उपाधि प्राप्त की तथा वर्ष 1981 से डॉक्टर पुरुषोत्तम डोभाल के निर्देशन व आशीर्वाद में गढ़वाल के प्रमुख देवताओं की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक पृष्ठभूमि नामक विषय पर शोध कार्य प्रारंभ किया। परंतु कुछ बाधाओं के आने पर उनका ये शोध कार्य वर्ष 1985 में ही पूरा हो सका। ये वर्ष उनके लिए और भी महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि उनके द्वारा स्थापित बाल गंगा जूनियर हाई स्कूल भी इसी वर्ष इंटरमीडिएट स्तर की मान्यता प्राप्त कर बाल गंगा इंटर कॉलेज बन चुका था। सन 1987 में राज्य सरकार ने इसका अधिग्रहण कर लिया, जिसके फलस्वरूप डॉक्टर मैठाणी राजकीय सेवा में आ गए। परंतु उच्च शिक्षा के लिए अभी भी छात्रों को पलायन कर अपने घरों से दूर जाना पड़ता था। ये बात उनके हृदय को उद्वेलित करती रही और डॉक्टर मैठाणी ने उच्च शिक्षण संस्थान खोलने के लिए प्रयास आरंभ कर दिया। आसपास के सभी गांव के लोगों ने उन्हें भरपूर सहयोग दिया। डॉक्टर मैठाणी ने तन मन धन लगन और पूर्ण निष्ठावान होकर स्थानीय लोगों के सहयोग से विद्यालय भवन बनवाया तथा एक लंबे प्रयास के उपरांत 5 अगस्त 1991 को उनकी मेहनत रंग लाई और बाल गंगा डिग्री कॉलेज का उद्घाटन हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एसपी नौटियाल जी द्वारा किया गया, जिसे 1995 में उत्तर प्रदेश के शासन के आदेशानुसार हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त हुई। इस कॉलेज के खुलने के बाद क्षेत्र में बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिल गया है। डॉक्टर वाचस्पति मैठाणी ने अपना संपूर्ण जीवन समाज सेवा एवं राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया है। किशोरावस्था से ही उनमें समाज सेवा का भाव था और राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति भी वे जागरूक थे। आसपास के गांव में जो है बहुत ज्यादा शराब पी जाती थी और लोग कुछ नहीं करते थे आगे, न पढ़ते थे न लिखते थे, अपना जो खाया पिया और उसके बाद शराब पी और उसके बाद जो है वैसे हो जाते थे। उस समय एक कवि थे हमारे घनश्याम सैलानी जी, न पिया सारा भेजी सोना 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 मेरू बोलू मारे जा, जो दारू पींदो भेजी, जो शराब चुंदो भेजी और शराब पींदो भयंकर भौंके की वो मार खांदो इज्जत गवंदो भेजी सोना सोना। ये मैंने ये जो है ये छोटी छोटी बातें ये हमारे दिमाग में हमारे उसमें जो है उस समय यानी बैठ गई थी और शराबबंदी के लिए जो हमने नशाबंदी के लिए जो है एक बिगुल बजाया और उस पर अडिग रहे जीवन भर। उन्होंने प्रसिद्ध गांधीवादी सेवक एवं चिपको आंदोलन के प्रणेता श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी की संस्था पर्वतीय नवजीवन मंडल आश्रम सिलियारा टिहरी गढ़वाल की तत्कालीन प्रमुख सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी कर ग्रामीण स्वच्छता, अस्पृश्यता निवारण, नशाबंदी का प्रचार प्रसार एवं बाल विवाह का विरोध किया। श्री वाचस्पति मैठा ने एक छोटे से गांव में जन्म लेकर उन्होंने अपना प्रकाश सारे क्षेत्र में फैलाया। केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि पर्यावरण की रक्षा और नशाबंदी लोगों में जागृति, ये सारे काम उन्होंने किए। जब लोग सत्ता और संपत्ति की दौड़ में होड़ लगा रहे हैं उस समय उन्होंने अपना समय और शक्ति इन कामों में लगाई। इसी संस्था के माध्यम से उन्होंने कताई बुनाई तथा दिल्ली से आईटीआई से कारपेंटरी का प्रशिक्षण भी लिया। उन्होंने आईटीआई की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की। इस संस्था में रहकर उनकी भेंट अनेक गांधीवादी नेताओं से हुई। हिंदी साहित्य के प्रखर साहित्यकार पंडित वियोगी हरि, विष्णु प्रभाकर, काका कालेलकर, श्रीमती रामेश्वरी नेहरू, निर्मला देश पांडे व गांधी जी की शिष्या सरला बहन के संपर्क में आकर साहित्यिक एवं सामाजिक गतिविधियों में उनकी रुचि और बढ़ गई।
प्रसिद्ध सर्वोदयी समाज सेवी श्री सुंदरलाल बहुगुणा की प्रेरणा से डॉक्टर मैठाणी खादी वस्त्रधारी हैं। शराब समाज की उन्नति में बाधक है ये मानते हुए अक्टूबर 1971 में श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी के नेतृत्व में चलाए जा रहे शराबबंदी आंदोलन में तन मन से भाग लिया तथा 16 दिन तक जिला कारावास देहरादून में रहे। इस आंदोलन के फलस्वरूप उत्तराखंड के 8 जिलों में पूर्ण शराबबंदी लागू की गई। मैंने दिल्ली से जो कारपेंटरी का काम सीखा था, कारपेंटर रहा, और जब मैं वहां से देहरादून आया, यहाँ ट्रक की बोरियां बनाता था राजा रोड पर देहरादून में, तो उसी समय सुंदरलाल बहुगुणा जी का एक आंदोलन चला उनके नेतृत्व में कि पूरे उत्तराखंड में जो 8 जिले थे उस समय, उन जिलों में शराब बंद करनी है। तो मैंने वहां की नौकरी जो थोड़ी मोटी नौकरी थी, छोटी थी, जिससे आजीविका चलती थी उस समय मेरी, उसको छोड़ करके मैं आंदोलन में गया, आंदोलन में कूद पड़ा। सर्वोदय विचारधारा से ओतप्रोत डॉक्टर वाचस्पति मैठाणी चिपको आंदोलन से लेकर के, शराबबंदी आंदोलन से लेकर के, और सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के सवाल पर जो वाचस्पति मैठाणी जी का योगदान है वो बहुत सराहनीय है। इसके बाद डॉक्टर मैठाणी ने 1972 में उत्तरकाशी जिले के रवाई पुरोला विकास खंड में पुरोला ग्राम स्वराज संघ के प्रसिद्ध कार्यकर्ता श्री सुरेंद्र दत्त भट्ट के साथ ग्रामदान, भूदान और शराबबंदी का प्रचार प्रसार किया। शराबबंदी आंदोलन के दौरान डॉक्टर मैठाणी को श्री भवानी भाई जी, बिहारी भाई जी व धर्मानंद नौटियाल जी के संपर्क में आने का सौभाग्य मिला। उसके बाद जब शराबबंदी हो गई तो हमारे सर्वोदय के सारे कार्यकर्ता बैठे और उन्होंने कहा कि भाई किसको कहां भेजा जाए, पर मेरे बारे में निर्णय दिया गया कि रवाई क्षेत्र जो है उत्तराखंड का, रवाई क्षेत्र में सबसे ज्यादा शराब बनती है और सबसे ज्यादा शराब पी जाती है, इसलिए मुझे रवाई का क्षेत्र दे दिया गया। उस क्षेत्र में जाकर के जो है हमने अनेक मध्य निषेध समितियां बनाई, गांव गांव को भ्रमण किया, खूब मैंने नाटक किए और गीत गाए और खूब अच्छा प्रचार प्रसार किया और कोशिश की कि शराब जो है उस समय लोग न पिए। डॉक्टर मैठाणी ने अपना शिक्षक जीवन सीनियर प्राथमिक विद्यालय के प्रधान अध्यापक के रूप में प्रारंभ किया। उन्होंने शिक्षा के साथ साथ अपने छात्रों में न केवल अनेकों सामाजिक बुराइयों के प्रति जागरूकता पैदा की अपितु उन्हें परिवार कल्याण, पल्स पोलियो, पर्यावरण संरक्षण एवं वृक्षारोपण के लिए भी प्रेरित किया। तो मैं सिल्लारा जहाँ पर सुंदरलाल बहुगुणा जी का आश्रम है वहाँ गया था, तो मैंने कहा सर कल 25 जुलाई है, सुमन जी का निर्वाण दिवस है, शहीद दिवस भी उसको कहते हैं, कैसे कर क्या अपनाए। उन्होंने कहा कि एक एक पेड़ लगाओ, तो हमने पूरी विकासखंड में जो है विकासखंड तेलंगाना में एक साथ 25 तारीख को पेड़ लगाने का कार्य शुरू किया। सबसे पहले विद्यालय स्तर पर लगाए, उसके बाद ब्लॉक स्तर पर, फिर जिला स्तर पर। जब मुख्यालय देहरादून था तो वृक्षारोपण इत्यादि का काम भी मैं देखने लगा, तो मैंने पूरे उत्तराखंड में 25 जुलाई को वृक्षारोपण दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर मैठाणी ने लोगों में शिक्षा के प्रति उत्साह उत्पन्न करने के लिए कई प्रयास किए। उन्होंने पिछड़े क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की तथा छात्रों की संख्या बढ़ाने के लिए सामाजिक संस्थाओं से छात्रों को निःशुल्क पुस्तकें एवं गणवेश वितरित करवाए, प्रतिभावान छात्रों को पुरस्कृत किया। अभिभावकों के लिए कृषि विभाग से उन्नतशील बीज, फलदार पौधे वितरित करवा के उन्होंने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए प्रोत्साहित किया। शिक्षा को सरल एवं रुचिकर बनाने के लिए आपने चार्ट मॉडल का प्रयोग किया। छात्रों की कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति एवं अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करने के लिए अनेकों प्रतियोगिताओं का आयोजन किया। Oh.
समय समय विद्यालय में निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाकर निर्धन एवं असहाय ग्रामीणों की आपने जो सेवा की वो एक महान कार्य है। डॉक्टर मैठाणी एक योग्य प्रतिभा संपन्न एवं उच्च कोटि के अनुशासन प्रिय अधिकारी रहे। छात्रों के सर्वांगीण विकास को सदैव तत्पर रहने वाले डॉक्टर मैठाणी ने जिला विद्यालय निरीक्षक, उपनिदेशक, संयुक्त शिक्षा निदेशक के पदों पर रहते हुए परिषदीय परीक्षाओं को नकल विहीन करने के लिए प्रशंसनीय कार्य किए। नकल के ठेकेदारों द्वारा डायनामाइट से उड़ा देने की धमकी भी उन्हें अपने कर्तव्यों से विमुख न कर सकी। उनकी ऐसी कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी और राष्ट्र एवं समाज के लिए किए गए अभूतपूर्व कार्यों के लिए अनेक सामाजिक संस्थाओं, विभागीय कर्मचारियों एवं सरकार द्वारा उन्हें अनेकों पुरस्कार, सम्मान एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया है। आपके द्वारा 23 पुस्तकें हिंदी व संस्कृत भाषा में लिखी गई हैं, जिनमें कालिदास साहित्ये प्रकृति वनौषध्यश्च तथा रामायणाश्रित ग्रंथों का संक्षिप्त परिचय मुख्य है। हिंदी भाषा में लिखित गढ़वाल हिमालय की देव संस्कृति नामक ग्रंथ का विमोचन तत्कालीन उपराष्ट्रपति श्री भैरव सिंह शेखावत जी द्वारा 10 जनवरी 2005 को नई दिल्ली में किया गया तथा भूतपूर्व राज्यपाल श्री सुदर्शन अग्रवाल जी द्वारा इसकी विस्तृत समीक्षा कर सराहना की गई। समय समय पर आकाशवाणी एवं दूरदर्शन पर भी आपकी अनेक वार्ताएं प्रसारित हुई हैं। ऐसा माना जाता है कि भारतवर्ष का वैभवपूर्ण ज्ञान 4 वेदों, 108 उपनिषदों, स्मृतियों, महाकाव्यों, पुराणों एवं धर्मशास्त्रों में सन्निहित है। धन्वंतरी, चरक एवं महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित महान चिकित्सा पद्धति, गणित, विज्ञान, भूगर्भ, ज्योतिष सदृश विज्ञान इसी भाषा की अमूल्य धरोहर है। संस्कृत वस्तुतः भारत एवं भारतीयता को परिभाषित करती है। विश्व की इस प्राचीनतम देव भाषा के महत्व को पहचानकर डॉक्टर मैठाणी देववाणी संस्कृत के प्रचार प्रसार में निरंतर प्रयत्नशील हैं। वे चाहते हैं कि इतिहास में वर्णित तक्षशिला व नालंदा विश्वविद्यालयों की भांति एक बार पुनः भारतीय शिक्षा जगत विश्व स्तर पर ऊंचा उठे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने सेंदूल गांव में उत्तराखंड का पहला बालिका संस्कृत महाविद्यालय एवं प्राथमिक शिक्षा के लिए देहरादून में देवभूमि प्राथमिक संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। सेवानिवृत्त होने के बाद चुप नहीं बैठे, बल्कि अब भी संस्कृत शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं, जो एक प्रकार से लोग भूले गए हैं। तो इस प्रकार के कार्यों के द्वारा उन्होंने एक मिसाल पेश की है और वे अगली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा के स्रोत बन गए। संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है और संस्कृत के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए, प्रचार प्रसार के लिए जो डॉक्टर वाचस्पति मैठाणी आज भी सेवानिवृत्ति के पश्चात भी एक आंदोलन के रूप में संस्कृत शिक्षा के प्रचार प्रसार में जो अपना योगदान दे रहे हैं वो बहुत ही अतुलनीय है। डॉक्टर मैठाणी का उद्देश्य था यहाँ के जन जीवन को संस्कृत में बनाना, यहाँ की बालक बालिकाओं को उस अपनी देव भाषा से परिचित कराना, उस प्रारंभिक अवस्था में जहाँ पर संस्कार मिलते हैं बच्चों को, और उन्होंने इसके लिए स्वतः ही प्रयास किया। मुझे लगता है कि उनके द्वारा जो ये नीचे से लेकर के ऊपर तक संस्कृत के लिए काम हो रहा है और जिस प्रकार से जीवन भर वो शिक्षा के क्षेत्र में काम करते रहे हैं उनके इन कार्यों का देश को लाभ होगा, समाज को लाभ होगा। उत्तराखंड में आज जो शिक्षा का स्तर इतना ऊंचा बढ़ता जा रहा है उसमें मुख्य कार्य इन्हीं का था और इन्होंने अपना पूरा ध्यान संस्कृत के ऊपर कर दिया
क्योंकि ये सोचते हैं कि यही एक ऐसी वस्तु है जो भारत को फिर अपना पुराना सम्मान दिलाएगी। एक बालिका को संस्कृत विषय में से परिचित कराना पूरे पूरे परिवार को संस्कारित करना है, और श्री मेठाणी जी ने सत्य को पहचान कर बालिकाओं के लिए जिस विश्वविद्यालय की स्थापना की है, सचमुच उनका उद्देश्य पूरी देवभूमि में देवत्व की संस्कारों की स्थापना करना उद्देश्य है। राज्य सरकार ने भी देववाणी संस्कृत के समुचित विकास एवं संस्कृत शिक्षा की व्यवस्था को एकीकृत एवं सुसंगठित करने के उद्देश्य से एक पृथक संस्कृत शिक्षा विभाग का गठन, उत्तराखंड राज्य की द्वितीय राजभाषा देववाणी संस्कृत को अपनाने का गौरव प्राप्त हुआ है। शिक्षा विभाग के संयुक्त शिक्षा निदेशक के रूप में इन्होंने संस्कृत शिक्षा निदेशालय की स्थापना की, संस्कृत शिक्षा परिषद की स्थापना की, और संस्कृत को द्वितीय राजभाषा बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। गढ़वाल क्षेत्र में देवप्रयाग में एक बहुत प्राचीन संस्कृत महाविद्यालय है, इसे रघुनाथ कीर्ति संस्कृत महाविद्यालय कहा जाता है। उस संस्कृत विद्यालय को राष्ट्रीय संस्कृत शिक्षा संस्थान में परिणित करने के लिए जो है मेठाणी जी का महान योगदान रहा है, और हमें उम्मीद है कि राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान जो है देवप्रयाग में स्थापित होगा। इस प्रदेश में शिक्षा कैसी हो, संस्कृत का क्या स्वरूप हो, उसमें जो योगदान किया आज भी लोग उसकी सराहना करते हैं, और उन्हीं के प्रयास से जो सरकार ने द्वितीय राज्य भाषा संस्कृत को बनाया था, उसकी जो प्रगति प्रदेश में भी या कार्यालय में दिखाई पड़ी, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान था। संस्कृत शिक्षा को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिलाने का काम जो डॉक्टर वाचस्पति मेठाणी जी ने किया, शिक्षा निदेशालय जो हमारा वर्तमान में है ननूरखेड़ा में, उसको स्थापित करने, जमीन को दिलवाने, इन तमाम कामों की सूची के आधार पर जो आज शिक्षा निदेशालय, संस्कृत निदेशालय, संस्कृत शिक्षा अकादमी, ये जो हमारे शिक्षा के एक स्रोत हैं, इनके फाउंडेशन में, इनके निर्माण में डॉक्टर वाचस्पति मेठाणी जी का बहुत बड़ा योगदान है। डॉक्टर मेठाणी के अथक प्रयत्नों एवं दूरदृष्टि के कारण ही उत्तराखंड में दो संस्कृत ग्राम भैंतोला व किमोठा एवं उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा परिषद की स्वीकृति शासन द्वारा प्रदान की गई है। इस प्रकार डॉक्टर मेठाणी आज भी भारतीय संस्कृति के संरक्षण व देववाणी संस्कृत की सेवा व प्रचार प्रसार में अहिर्निश लगे हुए हैं। उनका मानना है कि संस्कृत बचेगी तो संस्कृति बचेगी। वर्तमान में डॉक्टर वाचस्पति मेठाणी के संरक्षण में संस्कृत शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु संपूर्ण उत्तराखंड में समय समय पर पद यात्रा, नंदा देवी डोली यात्रा और नाट्य यात्रा के लिए जन समुदाय से सहयोग लेकर संस्कृत को घर घर तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। यत्र नार्यस्य पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये मात्र एक उक्ति नहीं है, एक सूक्ति नहीं है, बल्कि श्री मेठाणी जी ने इसको चरितार्थ करने के लिए प्रयास किया है, इसलिए वे प्रशंसनीय है। वो आजकल संस्कृत विद्या का प्रचार करने के लिए संस्कृत स्कूलों को और विद्यालयों को खोलने की जो चेष्टा कर रहे हैं, उसमें भी सब सारे नागरिकों को समर्थन करना चाहिए और सारे नागरिकों को आगे आना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जाति के पास यही एक धरोहर बची है जिससे वो अपनी रक्षा, सुरक्षा, पर्यावरण की रक्षा से मनुष्य जाति के विनाश के दरवाजे बंद कर सकता है। डॉक्टर वाचस्पति मेठाणी जी को संस्कृत में निपुणता एवं शास्त्र के पांडित्य के लिए 11 मार्च 2016 को महामहिम राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने राष्ट्रपति पुरस्कार से डॉक्टर मेठाणी को सम्मानित नहीं किया, अभी तो उत्तराखंड की संस्कृत प्रेमी, भारतीय संस्कृति प्रेमी जो जनता है उसका सम्मान किया है, जिन्होंने अपना समग्र जीवन संस्कृत के प्रचार के लिए, प्रसार के लिए, उत्थान के लिए, अभिवर्धन के लिए समर्पित कर दिया। यह निश्चित रूप में माता सरस्वती की कृपा का
माता सरस्वती के प्रसाद का ही फल है। माता संस्कारवान होती है तो उससे संपूर्ण समाज संस्कारवान होता है, ये उनकी दृष्टि है। मैं इस पुरस्कार के समय उनके प्रति अपनी मंगल कामना व्यक्त करता हूँ। अभावग्रस्त जीवन में शिक्षा के क्षेत्र में जो काम करने का संकल्प लिया, आज उसी का प्रतिफल है कि आज डॉक्टर मैठानी भारत के उन शिक्षाविदों में माने जाते हैं जिनको कि राष्ट्रपति द्वारा उनको संस्कृत शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए सम्मानित किया है। मित्रों, संस्कृत और संस्कृति की रक्षा के बिना देश का कल्याण संभव नहीं है। ये भारत को एकता का संदेश देती है। राष्ट्रे जाग्रियामः वयम् पुरोहिताम्। संस्कृत भाषा में समस्त संसार को कुटुंब की तरह मानने का संदेश भी देती है। अयम् निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम्। उदार चरितनां तु वसुधैव कुटुंबकम्। बस प्रार्थना करते हैं कि हमारी हिंदुस्तानी, हमारे सारे हिंदुस्तान के लोगों को, हम सब लोगों को ऐसी शक्ति और ऐसी बुद्धि दे कि हम शराबबंदी के लिए काम करें, हम नशाबंदी के लिए काम करें, महिला शक्ति को जागृत करें और महिलाओं को उत्थान के लिए, जैसे हमने बालिका संस्कृत महाविद्यालय खोला है, नारेस्त भोजन थे, रमन थे, तत्र देवता इस क्षेत्र में काम किया, उसी प्रकार हम जो है सारे ऐसे काम करें और संस्कृत को बढ़ावा दें, भारतीय संस्कृति को समझें और पाश्चात्य संस्कृत को जो है तिलांजलि दें। तो ऐसा हमारा प्रयास है ताकि हम जो है आगे बढ़ सकें और भारतीय जो गौरव है, भारतीय संस्कृति और सभ्यता का जो गौरव है उसको यथावत बनाने में जो है आगे काम करते रहें। इसी ये हमारा जीवन का मेन उद्देश्य है। डॉक्टर वाचस्पति मैठाणी ने शिक्षा के प्रचार प्रसार, पर्यावरण संरक्षण, समाज में फैली कुरीतियों और व्यसनों को मिटाने के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। यहां तक कि अस्वस्थता में भी वे निरंतर इस कार्य में लगे रहे और आज काल ने असमय ही उन्हें हमसे छीन लिया। आइए प्रण लें कि उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों को आगे बढ़ाने एवं उनके सपनों को मूर्त रूप देने में हम अपना सक्रिय योगदान प्रदान करेंगे। उनके प्रति हमारी यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। Thank you.